कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस के साथ साथ विकास प्राधिकरण भी एक्शन मोड में आ गया है और लगातार अवैध इमारतों को तोड़ने और सील करने का काम केडीए ने जारी कर रखा है। इसी क्रम में जाजमऊ इलाके में दबंग बिल्डर द्वारा बनाई जा रही अवैध इमारत को सील कर दिया गया। केडीए प्रवर्तन दल प्रभारी फोर्स के साथ जाजमऊ के सिद्धनाथ इलाके में पहुंची और यहां बन रही हाजी वसी की अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। हालांकि केडीए प्रवर्तन टीम के अधिकारियों का कहना था कि जाजमऊ की बिल्डिंग का जफर हयात से कोई संबंध नहीं है। भारत उपग्रह देखने में साइड से कहां बस ठीक है सामने जो स्थित भवन है आदिवासी वाहन परिसर संख्या 79/25 चकेरी थाने के अंतर्गत और बेतनगंज में सलीम और पूजा निवासक की बिल्डिंग सील की गई है 25/25 विश्वास विश्वनाथ खत्री श्री एस एस मलिक की बिल्डिंग प्रेम नगर चौराहे के गुरुद्वारे के सामने चमनगंज में सील की गई है। ये सभी भवन मानचित्र के विचलन या बिना मानचित्र जफर का भी कोई कनेक्शन है ये सभी अलग अलग बिल्डिंगें सील की गई हैं के डी ए द्वारा अपने जो अनिश्चित बिल्डिंगों के निर्माण के विरुद्ध उससे भी पहले चलाए जा रहे थे इसलिए द्वारा अपनी जो कार्रवाई है जफर से भी कोई कनेक्शन निकल के आया है केडीए द्वारा अपनी नियमित कार्रवाई की जा रही है उसमें जिसके नाम पता होते हैं स्वामी मालिक के माँ मालिक है उसके आधार पे अपनी कार्रवाई करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/